क्या होगी, दो चूहे बिल्ली की लड़ाई हो गई, बीच में खड़ी तलवार हो गई। बीजेपी नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, वो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। इधर लेते हैं और इधर महंगा करते हैं। आपके उम्मीदवार को चुनना क्यों है? हमारे उम्मीदवार में वो दम है, इसलिए हमको उनका चुनना है, जो बीजेपी नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, वो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। क्या मुद्दा है आपका इस चुनाव में? हमारा आरक्षण बच जाएगा, हमारे बाल बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिलेगी, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है, नहीं तो हमको शिंदे बोलेंगे लाड़की बहन। अभी तो हमको कुछ भी पैसे नहीं मिले, हम उनकी लाड़की बहन नहीं है, मेरे बहन को नहीं मिले, वो भी उनकी लड़की बहन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर को अगर ये करेंगे तो हमारे उम्मीदवार सिलेंडर में 500 रुपये कम कर देंगे। हमारे उम्मीदवार इसलिए बेहतर है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस जो नहीं कर सकती वो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी कर लेगी आसानी से। वही मेरा भी कहना है जो बाबा ने कहा, बहुजन समाज ये पार्टी कर सकती, सके बाबा लोखंडे, उसके बिना कोई नहीं कर सकता। जब जाए, जब हमको टाइम मिला तब लेडीज मिल के जाए तो हम उनसे काम करवा ले सकते, इतनी हम में पावर है और उसमें भी काम करने का उतना दम है। अब ये क्या होगी, दो चूहे बिल्ली की लड़ाई हो गई, बीच में खड़ी तलवार हो गई। जी आइए। हमारी उम्मीदवार रफ एंड टफ है, जो भी निर्णय लेती है ना अपने आप पे डिपेंड होके लेती है, किसी पे डिपेंड होके नहीं। दम है थोड़ी डिसीजन लेंगी, नहीं तो नहीं लेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का अब ये जो वक्त है, अब ये अपने आप में ऐसे शबाब पर पहुंच चुका है कि जहां उम्मीदवार अपने मतदाताओं से सीधे संपर्क में लगे हैं। दक्षिण नागपुर का ये निर्वाचन क्षेत्र जहां से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है सत्यभामा ताई रमेश लोखंडे। ताई आज क्या कहोगे आप? आज क्या खुशी का दिन है, हम दरगाह में आ गए अपना आशीर्वाद लेने के लिए, विजयी होना चाहिए करके, और जनता का प्रतिसाद पर बहुत अच्छा है। क्या आज आप जितने मुद्दे लेकर चले थे क्या वही मुद्दे आपके पास है और मुद्दे जुड़ते चले गए? मुद्दे ये है कि जैसा ओबीसी समाज का आरक्षण जो है वो खतरे में है, मतलब उसमें इसका मराठे लोगों को भी देना चाहते, एससी एसटी का भी है आरक्षण खत्म करना चाहते, उसके लिए हम लड़ाई कर रहे। अगर शैक्षणिक बोले तो और शिक्षण क्षेत्र में भी बहुत महंगा हो गया है, तो वो भी उसमें भी हम मतलब लड़ाई करेंगे। और पानी का बिल का जो खर्चा बढ़ा, वो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 1500 रुपये लड़की बहन योजना को दे रहे, अगर मैं चुन के आती हूँ तो ये सबसे पहले तो मैं सर सकल 500 रुपये कम कर दूंगी सिलेंडर पे। कोई किसी को लाडली नहीं रखना है, किसी को कुछ नहीं, सब सभी लाडली रहना चाहिए। और जैसे किराना भी है, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। महिला बोलते हैं कि इधर 1500 रुपये दिए और तेल का डब्बा जो है 2200-2400 रुपये का किया है। इधर लेते हैं और इधर महंगा करते हैं, देते हैं और इधर महंगा करते हैं। आपकी योजना क्या है? मेरी योजना ये है कि जो अपना स्लम एरिया हो चाहे कोई भी हो, कि जो जो योजना रहेगा मैं लाऊंगी। जैसे मैं सावित्रीबाई फुले में ये सारे की स्कीम लाई, तो बहुत स्लम एरिया में भी अभी ज़रूरत है, और चुनने के बाद आने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कि योजना को। ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार सत्यभामा रमेश लोखंडे का। वंचित बहुजन आघाड़ी को क्यों चुनना चाहिए? हमको इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि ना कांग्रेस ने कुछ करी, ना बीजेपी हमारा कुछ साथ दिया। हमारा कहता नवा चेहरा सामने में आया है, बस उनको वोट देना हमारा काम है, अब जीतना इनका काम। महंगाई हो रही सर, सिलेंडर महंगा हो रही है, तेल का हर चीज महंगा हो रहा है सर। गरीब इंसान जाएगा तो जाएगा काम। हाँ, 200-300-500 रुपये रोज कमाने वाले किराना मिल जाओ तो 1000 रुपये किराना होगा सर। 500 रुपये रोज काम पे काम कर रहे, ये सब चीज़ें सस्ता ही होना ना सर। उसकी वक्त के लिए मोहम्मद पैगंबर जो बिल आ रहा है उसके लिए प्रकाश आम्बेडकर जी ने जो डाले हैं उसके लिए जोरों शोरों से, और अपना जो है सब कम किया जाए सर, क्योंकि हर चीज़ महंगाई हो रही सर, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।